Lalu, lalu, lalu. Santa bayi, santa चलो जी एवरीबॉडी प्लीज ज्वाइन गुड आफ्टरनून एवरीवन गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून मालिक जल्दी से जितने लोग कनेक्ट हो गए हैं और अगर दो मिनट टाइम है तो जरा वीडियो को लाइक कर दो इट विल हेल्प अस सब्सक्राइब करना नहीं करना आपके ऊपर है फाइनल में भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेंगी चलो टुडे स्टार्ट यस ओके चो गुड आफ्टरनून अस फर्स्ट रीकैप हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था ठीक है एक बार थोड़ा सा रजिस्टर आप पलट लीजिए जहां कहीं भी थे प्लीज रजिस्टर पलट लीजिए राइट right? अच्छा एक बच्चे बहुत सारे मेरे से पूछ रहे हैं सर हम भी क्या फेस टू फेस में आके बैठ सकते सर जिसको आना है आ जाओ कोई तकलीफ नहीं है अपन ने बिल्कुल सब ओपन कर रखा है बहुत से बच्चे यहाँ पे बैठे हैं जो लाइफ में सीरियस थे जो लाइफ में सीरियस नहीं है वो पहले दिन आए और दूसरे दिन उठ के चले गए समझ में आए तो जो लाइफ में सीरियस है और डिसिप्लिन है वो आएगा और इस फास्ट ट्रैक के साथ मैं ईमानदारी से बोलता अगर तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए तो ये सब्जेक्ट तुमको आराम से निकल जाएगा नहीं तो एक दो अटैम्प्ट और कोई तकलीफ़ नहीं है एक दो अटेम्प्ट और कोई तकलीफ नहीं आफ्टर मे देर इज नवंबर सो ऑन एंड सो फोर्थ पर आपको अगर जेन्यनली पास होना है ना अगर मैंने अभी जैसे मैंने यहाँ आया और तुरंत पूछा मैं बोला भाई होमवर्क किया क्या आधे से ज्यादा बच्चों ने होमवर्क किया ही नहीं है तो इस लीनियंसी के साथ ना सर बिलीव मी कुछ नहीं होने वाला जिस तरीके का ये एग्जाम है ना तुमने फाउंडेशन भले इस लिनियंसी के साथ क्लियर किया होगा इंटर में तो बिल्कुल एक्सपेक्ट ही मत करना और फाइनल वाले तुमको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे समझ में आ रहा है क्या तुम्हारी ऐसी हरकतें देख करके ना इंस्टीट्यूट भी बोलेगा कि भैया इसको पास करा दिया तो ये और बैंड बजा के आएगा क्लाइंट का ऑडिट आधा छोड़ के आ जाएगा क्योंकि भाई कल करता हूँ ऑडिट और ऑडिट किया ही नहीं तो इस तरीके की हरकत नहीं चलती एक बात समझ के चलना अगर आपको पास होना है तो उतना डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा यस कोई भी रिजल्ट ऐसे ही नहीं मिलता वो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने ही पड़ते हैं मेरे पास भी ऑप्शन था आपको स्ट्रेट अवे उठा करके रिकॉर्ड करके कट कॉपी पेस्ट करके बना के दे देता

रिक्वेस्ट करूंगा ये भविष्य जो भी बच्चा है बेटा आप एक बार भी कमेंट करते हो तो सबको दिख जाता है नौ बार करने की जरूरत नहीं है थैंक यू बेटा इस बात को समझने के लिए आ जाओ हमने क्या किया था सर सबसे पहले बेसिक्स पढ़ा था बेसिक्स पढ़ने के बाद रेट शुरू किया था कहाँ थे हम सेक्शन नंबर फोर पे प्लीज सेक्शन नंबर फोर पे वापस जाओ कहाँ थे हम सेक्शन नंबर फोर पे सेक्शन नंबर फोर पे वापस जाओ सेक्शन नंबर फोर था लिखा था हमने रजिस्टर में नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड ना 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 इनकम टैक्सेस पेएबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट द रेट स्पेसिफाइड बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन इन प्रीवियस ईयर यहां से हमें रेट समझ में आया था तो रेट को हम गए अब हमारे पास दो रेट है ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम याद आ रहा है तुम्हारे को अब न्यू स्कीम क्या बन गई डिफॉल्ट टैक्स स्कीम और ओल्ड स्कीम क्या बन गई अल्टरनेट स्कीम हमने पहले पूरा ओल्ड स्कीम पढ़ा सिर्फ ओल्ड स्कीम का फटाफट चेंज करके देखना ओल्ड स्कीम के अंदर में, yes, कौन से थे के लिए टू पॉइंट के लिए थ्री सुपर सीनियर के लिए इेस्पेक्टिव ऑफ एज वहां पर सिर्फ एक है इर रिस्पेक्टिव ऑफ एज नो राइट दूसरी बात दूसरी बात हम लोगों ने क्या किया बेटा हम लोग आगे बढ़े एच ईसी विल एट द रेट ऑफ फोर परसेंट राउंड ऑफ

कंपनी के टैक्स रेट देखे कोऑपरेटिव सोसाइटी के टैक्स रेट देखे यहां हमारा ओल्ड स्कीम पूरा का पूरा खत्म हुआ फिर हम लोग गए न्यू स्कीम के ऊपर 115 बीएसी 115 बीएसी किसके लिए है रेसीडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट के लिए है एक ही स्लैब है अस का एज कुछ भी हो यहाँ पे मल्टीपल जगह अमेंडमेंट है पहला एस की डेफिनेशन के अंदर में अमेंडमेंट आया है दूसरा स्लैब रेट चेंज हुआ है तीसरा रिबेट यहाँ पे सेवन लाख ,00 रुपीज पे आ गया है नो, रिबेट कितने पे आ गया है सेवन लाख ,00 रुपीज पे आ गया है राइट right? रिबेट के साथ साथ मार्जिनल रिलीफ मिलना शुरू हो गया है ये सुनो राइट इसके बाद हम लोगों ने देखा था सरचार्ज मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज जो है वो कितना परसेंट रहेगा बेटा मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज कितना परसेंट रहेगा बेटा 25 परसेंट आर यू गेटिंग द पॉइंट यस यहां से हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ के हम लोगों ने कुछ होमवर्क दिया आप लोगों को ये थे आपके होमवर्क से राइट ये थे आपके कुछ होमवर्क आ जाओ आज हम लोग चैप्टर नंबर वन एंड कर देंगे पूरा का पूरा और हम लोग चैप्टर नंबर वन के ही पर मॉड्यूल और हमारी बुक के हिसाब से नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर थ्री एग्रीकल्चर में चले जाएंगे ताकि आपके नए मॉड्यूल के हिसाब से आप एटलीस्ट एक चैप्टर कंप्लीट कर दो ठीक है चलो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका ये बेस्ड है मार्जिनल रिलीफ के ऊपर चेक करिएगा कंप्यूट द टैक्स लाइब्रिटी ऑफ आकाश हैविंग अ टोटल इनकम ऑफ वन करोड़ वन लैक अज्यूमिंग दैट हिज टोटल इनकम है अब ये तो कहाँ ही नहीं है कि टैक्स कौन से तरीके से निकालना है तो किस तरीके से निकाले मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा इज इट हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी एस सी के हिसाब से निकाला जाएगा से नो yes no. तो बताओ कैसे निकाले अब देखो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है विल मार्जिनल रिलीफ भी एप्लीकेबल और नॉट यस मैं सीधा टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ निकालू तो चलेगा क्या ये तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर वन कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एस पर हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए सी आफ्टर मार्जिनल रिलीफ आफ्टर मार्जिनल रिलीफ टैक्स ऑन वन करोड़ प्लस टोटल इनकम माइनस वन करोड़ एवरीबडी चलो वन करोड़ पे टैक्स कितना आएगा इज इट ट्वेंटी सेवन लैख हाँ या ना इज इट ट्वेंटी सेवन लैख टैक्स ऑन वन करोड़ टैक्स ऑन वन करोड़ इज इट ट्वेंटी सेवन लैख जिसको नहीं आ रहा इधर चेक करो नील पहले तीन लाख रुपए तक के थ्री लाख टू सिक्स लाख का ब्रैकेट जो था याद करके देखो थ्री लाख टू सिक्स लाख तक का जो ब्रैकेट था इस पे पंद्रह हजार रुपए सिक्स लैख टू नाइन लाख का जो ब्रैकेट था इस पर थर्टी थाउजेंड रुपीज़ नाइन लाख टू ट्वेल्व लाख का जो ब्रैकेट था इस पर फोर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज ट्वेल्व लाख टू फिफ्टीन लाख का जो ब्रैकेट था इस पर सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ और जितना भी बैलेंस बच गया एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट बराबर है ना तो एक करोड़ रुपए से पंद्रह लाख रुपये हटा दो बचे हुए पे थर्टी परसेंट एड वन लाख फिफ्टी थाउजेंड तो आपका टोटल टैक्स बन गया कितना बेटा ट्वेंटी सेवन ,00 लैख इधर कितना ऐड करेंगे वन लाख ,00 तो आपका टोटल टैक्स कितना हो गया बेटा ट्वेंटी एट ,00 लैख इसमें क्या सीधा सीधा एच ई सी करेंगे एट द रेट ऑफ ओ परसेंट हाँ यही गड़बड़ आप कर दोगे क्या लगाना चाहिए था सरचार्ज एट द रेट ऑफ टेन परसेंट समझ में आया क्या यानी आपने अगर ये एड नहीं किया तो क्या हंड्रेड परसेंट गलती होने वाली है बिल्कुल सर गलती होगी क्योंकि यहाँ पे ट्वेंटी सेवन लैख ना आकर के क्या आएगा अलोंग विथ अ सरचार्ज अलोंग विथ अ सरचार्ज सरचार्ज कितने परसेंट से आएगा बोल बेटा एट द रेट ऑफ टेन परसेंट एट टेन परसेंट यह आएगा बेटा ट्वेंटी नाइन लैख सेवेंटी थाउजेंड करेक्ट ट्वेंटी नाइन लैख सेवेंटी थाउजेंड एड वन लैख क्या टोटल टैक्स आपका बनता है थर्टी लैख सेवेंटी थाउजेंड इसे एच ई सी एट द रेट ऑफ फोर परसेंट थर्टी वन लैख टू थाउजेंड एट हंड्रेड शुड बी योर फाइनल आंसर एवरीबडी यसर फाइनल आंसर शुड बी थर्टी वन लैक नाइनटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड पोस्ट मार्जिनल रिलीफ स्ट्रेट अवे आपका टैक्स पेबल बन गया प्रॉब्लम में हमें टैक्स लाइबिलिटी निकालने बोला था मार्जिनल रिलीफ निकालने बोलते तो अलग से कैलकुलेट करते टैक्स लाइबिलिटी निकालने बोला था सीधा मार्जिनल रिलीफ के साथ निकाल दिया ठीक है आ जाओ प्रॉब्लम नंबर टू

यहाँ पे भी सीधा सीधा आफ्टर मार्जिनल रिलीफ ही आएगा क्वेश्चन नंबर टू कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एस पर दी ओल्ड स्कीम टैक्स कैलकुलेशन इज इक्वल टू टैक्स ऑन टू करोड़ अलोंग विथ द सरचार्ज ऑफ एनी वन फिफ्टीन परसेंट प्लस टोटल इनकम माइनस दू करोड़ चलो दो करोड़ तक के टैक्स एटी फोर थाउजेंड थ्री सेवनटी फाइव और इधर के कितने रुपए जोड़ दूंगा टू लैक्सटी एट लैख एटी फोर थाउजेंड थ्री सेवेंटी फाइव यह आपका टैक्स बना आफ्टर मार्जिनल रिलीफ इसमें क्या कर देंगे एच ई सी एट द रेट ऑफ टो परसेंट टू सेवन फाइव थ्री सेवन फाइव तो आपका टोटल टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ इज सेवेंटी वन लैख फिफ्टी नाइन थाउजेंड सेवन फिफ्टी एवरीबडी गेटिंग दिस यस जितने बच्चे कनेक्टेड है यूट्यूब पे या अदर तरीके से आंसर आना चाहिए सेवेंटी वन लैख फिफ्टी नाइन थाउजेंड सेवन फिफ्टी यू आर गेटिंग बोथ द आंसर्स एज राइट एब्सोल्यूटली करेक्ट एंड प्राउड ऑफ यू यस चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाते हैं हम लोग वट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर थ्री फाइंड आउट द टैक्स लाइबिलिटी इन द गिवन केस बिलो टैक्स टैक्स पेयर डू नॉट टू ऑप्ट अल्टरनेटिव अज्यूम दैट द एप्लीकेबल रेट इज ट्वेंटी परसेंट ठीक है सर डिविडेंट इनकम कुछ दिया नहीं है एस की एज दिया है रेसिडेंट बताया है टोटल इनकम सेवेंटी फाइव लैख आ रही है चल बच्चे टोटल इनकम सेवेंटी फाइव लैख का मतलब सरचार्ज आएगा कि नहीं आएगा आएगा पूरे प्रॉब्लम को अगर मैं ध्यान से देखूं क्या मेरे पास स्पेशल इनकम भी दिख रही है क्या यस स्पेशल इनकम भी दिख रही है तो चलो कैलकुलेट करते कुछ भी नहीं है लप्पू सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री टैक्स लाइबिलिटी पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस सबसे पहले ए बना देते हैं स्पेशल इनकम कोई फर्क पड़ने वाला है क्या पहले नॉर्मल लिखो या स्पेशल लिखो उससे नहीं चलो कौन सा स्पेशल इनकम है पहले सिक्स लैक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सिक्स लैक इंटू फिफ्टीन परसेंट बराबर है ना सिक्स लैक इंटू फिफ्टीन परसेंट इज इट नाइन्टी थाउजेंड ब्रो यस सेकेंड आ रहा है तेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड ट्वेल्व कितना रुपीज है बेटा थ्री लैख इंटू ट्वेंटी परसेंट सिक्सटी थाउजेंड आ रहा है क्या यस yes. फिर आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए सेवन लैक इंटू आहा आहा सिक्स लैक इंटू टेन परसेंट अच्छा मैंने क्वेरी पूछने के लिए गलती से मेरा ईमेल दे दिया आपको बताता हूँ कितने प्यारे प्यारे भारत भर से इतने प्यारे प्यारे ईमेल आए कुछ ईमेल आपको बताता हूँ एंटरटेनमेंट बीच में जरूरी है बात समझना पहला क्वेश्चन अच्छा अपन ने चीख चीख के बताया है फिर भी पहला क्वेश्चन मतलब आप मान के चलो दस से पंद्रह मेल सिर्फ इस बात पे थे सर हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए लेते वक्त आपने एक लाख माइनस क्यों किया मैंने कहा ये बच्चा सच में पहले टर्न दे के आया है मतलब अच्छा लेक्चर में अपन ने बताया भी अरे लिख का के दिया है बियॉन्ड वन लैक है फिर भी तो बेटा ये मत करो प्लीज ये याद रखो ना ऐसा नहीं करते पाप रात में भूत काटता है ऐसा करने पे ना? चलो ये टोटल कितना हो रहा है बेटा इज इट टू लैक टेन थाउजेंड तो ये आ गया टू लैक टेन थाउजेंड जो बचा बाकी सब नॉर्मल में जाएगा क्या ब्रो हैश आपकी टोटल इनकम कितनी जा रही है इज इट फिफ्टी नाइन लैख रहा है फिफ्टी नाइन लाख फिफ्टी नाइन लाख में से क्या मेरे बच्चे को अप टू टेन लाख तक का टैक्स पता है एक लाख बारह हजार पाँच सौ बैलेंस बचा फोर्टी नाइन लाख इस पे टैक्स रेट कितना परसेंट है बेटा थर्टी परसेंट तो फोर्टी नाइन लाख इंटू थर्टी परसेंट इज इट फोर्टीन लाख सेवेंटी थाउजेंड फिफ्टीन लैख एटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एवरीबाडी यस सुनो सर ये निकल गया आपका टोटल टैक्स सेवनटीन लैख नाइन्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एवरीबाड सर चार्ज सर चार्ज हाँ ट्वेंटी फाइव परसेंट फिफ्टीन परसेंट वन सेवन नाइन टू फाइव जीरो ब्रो आपका टोटल टैक्स पोस्ट सरचार्ज आता है वन नाइन सेवन वन सेवन फाइव जीरो एड एच ई सी एट द रेट ऑफ फोर परसेंट सेवन डबल एट सेवन जीरो टोटल टैक्स आया ट्वेंटी फिफ्टी सिक्स ट्वेंटी डे यस डन चलो करेक्ट चलो यहां पर आपके तीन प्रॉब्लम खत्म हुए फोर्थ प्रॉब्लम आता है कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे सर कैसे पता चलेगा कैसे पता चलेगा ऐसे पता चलेगा मिस मैरिज जब छोटी थी उसकी आदत ऐसी थी तो देती थी, थी भैया क्या लौड़े क्या नहीं लौड़े अज्यूम करना है अच्छा अब अगर हम ध्यान से देखेंगे राइट धंधे पे फोकस करो ना यार। आ ना यार यार चलो होए 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 मोए अच्छा क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से तो देखोगे क्या मेरी अदर इनकम ऑलरेडी दो करोड़ के ऊपर है अदर इनकम पे सरचार्ज जबकि इन इनकम पे सरचार्ज 15% एवरीबडी ये वो डिविडेंड प्रोपोर्शन करने वाला क्वेश्चन है क्या? Yes चलो सी लेस देन सी क्या है बेटा? लेस देन 60 इयर्स ठीक है सर लेस देन 60 इयर्स है और आप दुनिया भर की इनकम भी कमा रहे हैं सर बहुत अच्छी बात कर रहे हैं चलो आ जाओ प्रॉब्लम नंबर फोर जगह कहीं नहीं हाँ प्रॉब्लम नंबर फोर आई थिंक ये तो क्वेश्चन उसी दिन लिया था ना हाँ तो फिर क्या को वापस मेहनत करना है सेम एज सॉल्व वापस क्या को करने का है और करेंगे ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर फाइव फाइंड आउट द टैक्स लाइबिलिटी ही डू नॉट वांट टू ऑप्ट फॉर अल्टरनेटिव टैक्स हाँ ये कर सकते हैं ये कर सकते सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है इन पे सरचार्ज पंद्रह इन पे सरचार्ज थर्टी सेवन परसेंट करेक्ट है ना चलो निकालेंगे प्रॉब्लम नंबर फाइव मैं सीधा प्रॉब्लम नंबर फाइव पे आ गया हूँ सबसे पहले पर्टिक्यूलर्स रुपीस रुपीस सबसे पहले कौन सी इनकम ले लेंगे सर स्पेशल इनकम ले लेंगे स्पेशल इनकम में सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड इलेवेन ए इज इट वन लैक इंटू फिफ्टीन थाउजेंड दैट्स फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज सेकेंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टू लैक इंटू ट्वेंटी परसेंट इज इट फोर्टी थाउजेंड रुपीज तीसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड ट्वेल्व ए सेवन करोड़ कितना आ रहा है बेटा टोटल टैक्स विल कम टू सेवेंटी नाइन लैक नाइन्टी थाउजेंड एवरीबडी यस आई गेस तीनों स्पेशल तो खत्म हुई बराबर है ना अब जो बचा वो कौन सी बची नॉर्मल इनकम टेल मी व्हाट इज टोटल इनकम दैट टोटल नॉर्मल इनकम ये बनता है सिक्स लैक फिफ्टी नाइन थाउजेंड एड फोर्टी नाइन लैख इज इट सेवन करोड़ एट लाख बराबर है इसमें अप टू रुपीज टेन लाख तक का टैक्स आ रहा है एक लाख बारह हजार पाँच सौ ट्वेंटी वन लैख नहीं टू करोड़ टेन लैख ना? अब इसमें से डिविडेंड कंपोनेंट अलग निकालना पड़ेगा डिविडेंड कितना है बताओ फोर्टी नाइन लाख आउट ऑफ टोटल इनकम कितना है एंड टैक्स कितना बन रहा है बताइए डिविडेंड कंपोनेंट का टैक्स कितना आएगा 14? चेक करो सभी लोग वन फोर फाइव सेवन जीरो टू थ्री पॉइंट ठीक है वो ओके यू गेट डिविडेंट यहाँ पे हम सीधा हमारा अदर कंपोनेंट का निकाल सकते हैं वन जीरो फाइव टू फाइव हंड्रेड माइनस वन फोर फाइव सेवन जीरो टू थ्री वन करोड़ नाइन्टी फाइव लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड फोर सेवेंटी सेवन इज दिस डन चलो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स को भी बाजू करो बराबर एटी लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड क्या आप बता सकते हैं मेरा टोटल टैक्स कितना हुआ टू करोड़ नाइन्टी लैख नाइन्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बराबर ये हो गया मेरा नॉर्मल प्लस स्पेशल टैक्स इसमें क्या ऐड करेंगे सर ऐड करेंगे बराबर डिविडेंड इनकम पे डिविडेंड इनकम पे वन फोर फाइव सेवन जीरो टू थ्री पे कितना परसेंट बेटा फिफ्टीन परसेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फोर्टी थाउजेंड इंटू फिफ्टीन परसेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर हंड्रेड एंड ट्वेल सेवेंटी नाइन लैक नाइन्टी थाउजेंड इंटू फिफ्टीन परसेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर फिफ्टीन थाउजेंड इंटू फिफ्टीन परसेंट चलो निकालो फटाफट इधर आ रहा है डबल टू फाइव जीरो इधर आ रहा है इलेवन लैक नाइन्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड इधर आ रहा है सिक्स थाउजेंड इधर आ रहा है टू वन एट डबल फाइव थ्री चेक कर लो बराबर अभी इधर पी पी का भी बाकी है जीबीपी इनकम पे कितना परसेंट होगा थर्टी सेवन परसेंट ऑफ वन नाइन फाइव नाइन फाइव फोर डबल सेवन थ्री टू सिक्स कर दूं चलेगा क्या बराबर है बोलो अब आपका टोटल कितना बनता है टोटल टैक्स प्लस सरचार्ज थ्री करोड़ सेवेंटी सेवन लैख सेवेंटी थ्री थाउजेंड वन ट्वेंटी नाइन इसमें ऐड कर देंगे बेटा एच ई सी एट द रेट ऑफ फोर परसेंट वन फाइव वन जीरो नाइन टू फाइव फाइनल टोटल टैक्स आता है थ्री नाइन टू एट फोर जीरो फाइव फोर इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा थ्री नाइन टू एट फोर जीरो फाइव जीरो बराबर है क्या नहीं तो फाइनल टैक्स कमिंग्स टू थ्री करोड़ नाइन्टी टू लैक एटी फोर थाउजेंड फिफ्टी जमा आपने पहले पूरा पीजीबीपी से एडजस्ट किया होगा और से किया होगा। said, अभी वो है। मैंने जैसा कि बोला आपको डिस्प्यूटेड मैटर है डिस्प्यूटेड मैटर इसलिए है क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बोला आप मॉड्यूल भी ओपन करके देखे होंगे एक भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हुए यहां छोड़ो फाइनल के मॉड्यूल में भी नहीं है ये तो वो है जो अलग अलग यू नो सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन क्योंकि, तो उस इस उस क्योंकि उसमें आपका देखो इफेक्ट कहा जाता है आप बेसिक एग्जाम को पीजीबीपी से एडजस्ट कर देते हो तो आपका 37 परसेंट का जो सरचार्ज इफेक्ट है ना वो कम हो जाता है लेकिन एज सेट डिस्प्यूटेड मैटर है कोई कुछ बोल नहीं सकता उस पॉइंट पे और इसीलिए खुद इंस्टीट्यूट भी रिफेन होता है उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन देने से इज दैट डन यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क बताओ व्हाट इज द आंसर अब अगर आप देखोगे इसमें पूरा सरचार्ज पंद्रह परसेंट से आएगा वो ये वो लास्ट सिचुएशन पे भेज दे याद आ रहेगा क्या ये किस पे भेज दे सर लास्ट सिचुएशन पे इसका आंसर आपका आना चाहिए फिफ्टी सेवन लैक नाइनटीन थाउजेंड एट सेवेंटी इफ योर आंसर इज दिस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट इफ योर आंसर इज दिस एप्सोलूटली करेक्ट ठीक है एक मैंने सेवेंथ क्वेश्चन भी आपको होमवर्क दिया था मैंने आपको बोला था सेवेंथ क्वेश्चन भी करके आओ और इस क्वेश्चन को मैंने ओल्ड एज वेल एज न्यू रिजिम दोनों से करने बोला था बराबर है ओल्ड एज वेल एज न्यू रिजिम दोनों से करने बोला था चलो गेस ओल्ड रिजिम एज वेल एज न्यू रिजिम दोनों में भी टैक्स क्या आने वाला है नील तो इसका दोनों का आंसर क्या आने वाला था नील इज दट डन ये वो थे जो मैंने आपको क्या दिए थे होमवर्क आज के होमवर्क है आपके बैलेंस थ्री क्वेश्चन आज का होमवर्क है आपका बैलेंस थ्री क्वेश्चन इज दट डन उ मेनी पीपल जिननों सोल्व भी किया सब सही आया वेरी गुड बहुत सही हाउ मेनी पीपल सॉल्व किया पर दो गलतियां एक या दो गलतियां कहा गलतियां हुई आप लोगों से स्कीम में गलती हुई और सरचार्ज में गलतियां हुई यानी और क्या करना पड़ेगा प्रैक्टिस जिन जिन बच्चों से गलती हुई मान लो आप ऑनलाइन में बैठे और ऑनलाइन में चेक कर रहे हैं ऑफलाइन बैठे डिजेंट मैटर अगर आपसे गलती हुई आपने सिर्फ एक काम करना है आज वापस जाना वापस उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना टाइम लगेगा नो no डाउट पर आपकी प्रैक्टिस होगी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी कोई प्रॉब्लम नहीं वापस उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख आखिर गलती हुई थी तो होगी कहां से थी तेरे माइंड तेरे को स्ट्राइक करेगा कि यहां नहीं करना है वो गलती समझ मारी बात सेम क्वेश्चन को उठाओ सॉल्व कर दो वापस से एवरीथिंग विल बी शॉर्टेड क्वेश्चन नंबर एट नाइन एंड टेन आज आपके क्या रहेंगे टारगेट्स में रहेंगे चलो आ जाओ द लास्ट थिंग वी डिड आज जाओ नोट्स में आपस हम चैप्टर नंबर वन के अंदर में ही है अब ये सिक्सटी नाइन की सीरीज है सेक्शन तो काफी अच्छा है सेक्शन काफी अच्छा है बात समझिएगा सिक्सटी नाइन की सीरीज क्या सीरीज है और ये कैसे वर्क करती है सर अंडरस्टैंड करिएगा ऐसा पॉसिबल है ना कि आपका असेसमेंट हो ये पॉसिबल है कि नहीं है ये पॉसिबल है ना आपका असेसमेंट हो अब देखिए असेसमेंट जब होता है किसी भी व्यक्ति का असेसमेंट जब होता है किसी भी व्यक्ति का तो क्या होता है जरा ध्यान से सुनना जब असेसमेंट होता है तो क्या होता है जरा ध्यान से सुनना जब किसी भी व्यक्ति का असेसमेंट होता है तो असेसमेंट के दौरान पहले समझते हैं असेसमेंट मतलब क्या होता है आप जब मेरे साथ फाइनल में रहेंगे तब समझेंगा कि असेसमेंट एक पूरा चैप्टर है आप अपना इंटर और फाइनल के बीच का एक डिफरेंस समझो इंटर में आपको आपकी इनकम कंप्यूट करनी होती है और इनकम कंप्यूट करने के बाद आप कहां आ जाते हो अपना रिटर्न भर देते हो तो याद होगा द लास्ट ऑफ द टॉपिक्स इन डायरेक्ट एक्सेस इज फाइलिंग द रिटर्न लेकिन रिटर्न भरने के बाद क्या होता है कभी सोचा है रिटर्न भरने के बाद होते हैं असेसमेंट मतलब आपका जो रिटर्न है यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ में जाता है एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैलकुलेट योर टोटल इनकम और टोटल लॉस और टोटल रिफंड एज द केस मे बी बराबर है तो ये जो वो कैलकुलेट करते हैं तो इनको कई चीजें मिलती है क्योंकि एक्चुअली वो पावर यूज करते हैं आपने रिटर्न भरा अब रिटर्न अगर आप देखोगे तो रिटर्न तो एक सिर्फ स्टेटमेंट है समराइज स्टेटमेंट होगा डिटेल एग्जामिनेशन के लिए वो लोग क्या करते हैं आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बुलाते हैं फिर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और आपके एक्चुअल रिटर्न को वो क्या करते हैं ऑडिट ऑडिट क्या करते हैं मेरा बात समझ में आ रहा है सभी को बात समझना वो आपके एक्चुअल रिटर्न को को और आपकी आपकी बुक्स बुक्स ऑफ ऑफ अकाउंट्स अकाउंट्स चेक करते हैं कि आपकी में क्या था अब आप क्या करते हो कई एक्सपेंसेस क्लेम कर लेते लेकिन एक्चुअली उस एक्सपेंसेस के पीछे बेसिस ही नहीं रहता जैसे आपने लिख दिया टी एंड कॉफी ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स ये आपने लिख दिया सेवेंटी थाउजेंड रुपीज

बराबर है अब जैसे ही रेड होती है किसी के घर पे तो रेड में क्या क्या मिलता होगा पहले सोचो तुम इमेजिन करो तुम इनकम टैक्स ऑफिसर हो और तुमने दर्शन सर के घर पे रेड मारी ठीक है ठीक तो सिर्फ ऐसी चीज बताओ जो रेड में मिली पर इनकम टैक्स में आ सकती है क्या क्या मिल सकता है किसी के घर पर रेड मारा तो मान लो दर्शन सर के घर पर रेड मारी क्या मिल सकता है पहला आपको मिल सकता है मनी बराबर है मनी मिलेगा दूसरा क्या मिलेगा ज्वेलरी बुलियन आर्टिकल और थिंग बराबर है महंगे आर्टिकल्स ज्वेलरी वगैरह। और क्या मिलेगा बेनामी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कई प्रॉपर्टी खरीद के रखी होंगी बताया कि भैया विजय की है पर होगी नहीं मेरी बेनामी प्रॉपर्टी हो सकती है और क्या हो सकता है जरा सोच के देखो कई ऐसे एक्सपेंडिचर हो सकते हैं कई ऐसे एक्सपेंडिचर हो सकते हैं जो एसेट के फॉर्म में फॉर एग्जांपल, जिनकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो सकती सोच के देखो ड्राइंग, पेंटिंग स्कल्पचर्स, यस, कारपेट्स इटालियन कारपेट्स लेकर के रखे उन्होंने राइट पर्शियन स्टैच पर्शियन स्टैचूज लेकर के रखे उन्होंने अब ये खर्चे है अब आप देखो इनके कभी भी वैल्यू डिटरमाइन नहीं होते बराबर है

इनमें सबसे पहली चीज जो मिलती है वो होता है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट सेक्शन 69 जिस जैसे लेके जाओ वैसे सबसे पहली चीज मिलती है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट मतलब आपके घर में कुछ इन्वेस्टमेंट मिला और ये अनएक्सप्लेन्ड है कि ये आया कहाँ से है बराबर है तो सपोज ज्वेलरी आ गई ऐसे ज्वेलरी पड़ी हुई है अब पूछते हैं उनसे दर्शन बता कहाँ से आया वो बोलता बदपमगरे सा ये सर्वो बदो आया है हाँ तो कहाँ से आया है सर ये मेरा नहीं है आई ची शपथ मेरा नहीं है हाँ तो एक्सप्लेन कर किसका है वो सर वो वो ऋषभ जैन वो नहीं ऐसा एक हाथ जेब में वाला बंदा उसका वॉट इज दिस एक हाथ जेब में वाला बंदा अरे वो ऐसा ऐसा वाला उसका है सर अच्छा तो वो तुम्हारे पास क्या कर रहा है अगर है उसका तो तुम्हारे पास क्या कर रहा है दोस्तियारी में लेके आए सर उसका ज्वेलरी ऐसा क्या क्या लेके आते हो तुम उसका नहीं नहीं अरे सर, ऐसा कुछ नहीं लेके आते सर लेके हैं सर मतलब थोड़ा ऐसा देखिए कई बार ऐसा होता है अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट्स मिल जाते हैं अगर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट मिला है आप एओ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये क्या है या आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो एओ को सेटिस्फेक्ट्री नहीं लग रहा AO, इसकी वैल्यू को आपकी इनकम में ऐड कर देगा यूजिंग द पावर ऑफ यूजिंग द पावर ऑफ आप उसे दिखाने की कोशिश कर रहे वो उसको बना करें तो कोशिश, कोशिश कर देगा <laughs> <laughs> में. क्या करने की कोशिश करेगा मालिक अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट तो करंट ईयर में अगर ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट एओ के हाथ में लग जाता है किसके हाथ में

मान करके चलो मान करके चलो दर्शन सर के घर पे मिल गया एक के जी सोना इतना एक के जी जबकि उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखे वो बोले सर मैंने तो देखो गोल्ड डिस्क्लोज किया है जब गोल्ड डिस्क्लोज किया चेक किया तो उन्होंने सिर्फ 800 ग्राम डिस्क्लोज किया है जबकि है कितना 1000 केजी 1000 जी वन ग्राम्स उनने कितना डिस्क्लोज किया है 800 हंड्रेड ग्राम्स इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्कलोज समझ तो में आई बात ये हुआ एक दूसरा मान लो नहीं, नहीं मान लो दर्शन सर ने एक फ्लैट लिया था वन बी एच के दर्शन सर ने एक फ्लैट लिया लिया बराबर है जब इनके घर पर रेड मारी तब एक बुक निकली बुक के अंदर में लिखा था फ्लैट का कॉस्ट साठ लाख इसमें से चालीस लाख व्हाइट होगा बीस लाख ब्लैक होगा एक बुक में लिखा था सब तुम वैल्यू पे ध्यान दो उसमें पूरा लिखा था बीस लाख कैसे मैनेज किया चालीस लाख कैसे मैनेज किया ऐसा सब लिखा था उसके अंदर में अब चालीस लाख आपने रजिस्ट्री करवाई है मतलब बुक्स में तो दिखा दी पर लाख का क्या इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज आपने अपने घर पे पांच एफ रखी थी जिसमें से तीन ही एफ इनकम टैक्स में दिख रही है इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज आपके सेविंग बैंक अकाउंट तीन थे जिसमें से आपने वाइफ से छुपा के एक रखा था पर असेसमेंट में दिख गया इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज इस पॉइंट पे तो आपके डिपार्टमेंट भी मारेगा और घर पे भी बैंड बजेगी समझ में आ रही है ना बात यस तो अब अंडरस्टैंड करना है। अगर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जो फुल्ली डिस्क्लोज नहीं है आपको एओ ने एक्सप्लेनेशन मांगा आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए या आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो एओ के समझ में नहीं आया वो सीधा इनकम को क्या कर देगा एड तो

एक्सप्लेन मनी दर्शन सर के घर से और क्या मिला था पैसा मिला था दर्शन सर से पूछा जाएगा हे hey, दर्शन सर बताओ ये आया कहां से सर वो कैश कैश मेरा नहीं है सर कैश कैश विजय का है सर कैश विजय कैश, का का कैश का काम ही नहीं करता विजय कैश का काम ही नहीं करता कई बार तो पैसे ही नहीं लेता और <laughs> अरे नहीं नहीं सर मतलब आपको ऐसा लग रहा है सर कैश सच में उसका है विजय को बुलाया विजय ये कैश मेरा? आपको लगता है सर। लग जाएगी मेरे तो मेरा तो नहीं है देख लो इसका जो है इसका इसका अपना अलग हिसाब किताब है ना अंडरस्टैंड करिएगा आपके घर पे मनी मिला अगेन सेम पॉइंट आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया या जो एक्सप्लेनेशन दिया वो के फैक्शन नहीं है पूरे मनी को उठा के आपकी इनकम में क्या कर दिया जाएगा एड रिसेंटली जरा देखिएगा एक कांग्रेस के कोई नेता है उनके घर पे 300 करोड़ समथिंग का कुछ रेड में पकड़ा गया सोचा कभी इसका होगा क्या ये जो पैसा पकड़ा गया अब असेसमेंट में एक्सप्लेनेशन मंगा जाएगा खैर उन्होंने आके एक एक्सप्लेनेशन दिया कि हमारा बिजनेस है उससे आने वाला कैश है पर 300 करोड़ जितना मतलब 300 करोड़ का कैश पड़ा है तो ये भी तो सोचना पड़ेगा टर्नओवर उस दुकान से उतना बड़ा है क्या पता चला तुम दिखा रहे करोड़ और कैश घर में पड़ा तीन सौ करोड़ तो कोई सेंस बनेगा क्या नहीं बेवकूफ तो नहीं है ना अगर आपके पास मनी मिला है आप एक्सप्लेन नहीं करते इतने मनी को आपकी इनकम में क्या कर दिया जाएगा एड तो ये जो सेक्शन 69 वाली सीरीज है ना ये सब एओ के फेवर में किसके फेवर में एओ कि आपके घर में मनी मिला

इनकम तीन सेक्शन समझ में सीरीज के दर्शन सर ने खर्चे दर्शन सर के घर पे तो उन्होंने करारा, लगाया है. करारा मार्बल का एक प्रकार होता है महंगा वाला बराबर है तो इटालियन से भी ऊपर कुछ होता है ना तो करारा होता है क्या होता है करारा दर्शन सर ने करारा लगाया बाथरूम जैसी जगह पे भी अरे, घर I mean, में। दर्शन सर ने करारा लगाया है फिर जबरदस्त है ऐसे एकदम गजब। अब तो दर्शन सर से पूछा गया भैया तुमने ये खर्चा किया देखो इनकम टैक्स कैसे सोचता है अगर खर्चा किया है इनकम कहीं से तो आई होगी बात समझना कोई दर्द भरे स्टेटस लगा रहा है दिल कहीं तो टूटा होगा बात समझना <laughs> अगर बहुत दर्द भरे स्टेटस लगा रहा है मतलब दिल कहीं तो टूटा होगा कि नहीं टूटा होगा ये सुनो अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर में आता है 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 अब क्या होता है? जब रेड होती ना तो हरेक को पूछा जाता है अरे भैया ये जूते हाँ सर बेलमैन है अच्छा बेलमैन कहाँ से लिए या तो मिलते नहीं है ना अरे सर हम यूएस गए अच्छा यूएस गए थे आप अच्छा हाँ फिर कहाँ से लिए वहां पे अरे वहाँ बेलमैन का स्टोर है सर अच्छा वहां से लिए कितने का पड़ा होगा सौ हज़ार डॉलर अच्छा अब उल्टा कैलकुलेशन होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का खर्चा किया मतलब इनकम कहीं से तो आई होगी अच्छा एक मिनट यहाँ से आप अमेरिका गए थे हाँ अमेरिका गए थे तो टिकट के भी पैसे लगे होंगे वो कहाँ से दिए वीज़ा लगा होगा उसका पैसा कहाँ से दिया क्योंकि आदमी के पास जब कैश होता है वो कैश उड़ा देता वो बोलता पहले कैश निपटाओ आप देखिएगा कभी तो सोच के देखिएगा आप अपने पप्पा के साथ कभी खरीदी करने जाइए देखिए मैक्सिमम पहले कैश बाहर आएगा कभी सोच के देखना और जैसी कैश बाहर आए अगले टाइम पर्चे को पापा को बोलना समझ गया है मेरे को हाँ क्या समझ गया है नहीं सब समझ गया है मेरे को एक बार बन जान दो फिर बताता हूँ अच्छा पहले चालीस लाख चल हट नो अंडरस्टैंड अन एक्सप्लेन एक्सपेंडिचर ऐसे कोई भी खर्चे जब आप करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थोड़ा सा उल्टा सोचता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है खर्चा किया है मतलब इनकम कहीं से तो आई होगी मान लीजिए कई बार ऐसा होता है आपने सैलरी पे की किसी व्यक्ति को साल भर के लिए बट यू हैव नॉट रिकॉर्डेड दिस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स टेल मी क्या होना चाहिए किसी आदमी को सैलरी दी बट दिस इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होना चाहिए इसका अब आप बोलोगे सर डिडक्शन क्लेम कर लो नहीं ये एक्सपेंडिचर है एक हाथ बार भूला रहता है एक हाथ महीने के लिए भूला होता समझ में आता आदमी बारह महीने से सैलरी भूल रहा है रिकॉर्ड नहीं कर रहा है दया कुछ तो एक्सपेंडिचर जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है बैक इसको इनकम मान ली जाएगी प्लस डिडक्शन भी नहीं मिलने वाला तो वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर एन हैज इनकर्ड एनी एक्सपेंडिचर इन एनी ऑफर नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द कोर्स ऑफ सच एक्सपेंडिचर एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी इन द ओपिनियन ऑफ यू यू कैन रीच सच एक्सपेंडिचर एज इनकम फर्दर इट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन इनकम तो मान ही लेगा इस खर्चे का डिडक्शन भी नहीं देगा इनकम तो मान ही लेगा इस खर्चे का डिडक्शन भी नहीं देगा सिक्सटी नाइन डी सिक्सटी नाइन डी अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुडी अब इस हु को रिप्लेस कर दो अनसिक्योर्ड लोन से तुम्हारे समझने के लिए आसान भाषा में ये हुंडी चिट्ठी क्या होती थी ये वर्ड एक बहुत पुराना वर्ड है इसके बाद इसको एक सोफेस्टिकेटेड नाम मिल गया अनसिक्योर्ड लोन बराबर है मान लो मुझे हैंड लोन चाहिए मैं क्या करता हूँ दर्शन को कॉल करूँगा बराबर है ऋषभ को कॉल करूँगा भाई दो पेटी दे तो को देता दो दिन बाद अब दो पेटी ले मैंने ले लिया हम लोगों ने कच्चा चिट्ठा लिख करके रखा कि दो पेटी लिया दो पेटी वापस कर दिया अंडरस्टैंड सरकार कैश के ट्रांजेक्शन चलाना चाहती है या रोकना चाहती है रोकना चाहती है अगर रोकना चाहती है यहाँ पे दो लाख पाँच लाख दस लाख रुपए कैश में चलाए जा रहे हैं यहाँ बुक मिल गई दर्शन के घर से लिखा है इस तारीख को विजय को दिया इस तारीख को वापस ले लिया इंटरेस्ट का कोई सवाल नहीं अब सवाल उठिएगा इज अमाउंट बोरोड ऑन अनसिक्योर्ड लोन अदरवाइज देन बाई अकाउंट पे चेक अगर आपको कुछ देना या लेना भी था तो ये अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट या इसी से होना चाहिए था पर अगर आप ऐसा नहीं करते दे, देखो एक सेक्शन है पीजीबीपी में एक सेक्शन सेक्शन आता है 269ST, है है कौन सा जो कहता है, एक व्यक्ति एक दिन में दो लाख के ऊपर का अमाउंट कैश में नहीं ले सकता समझ में आ रही बात अब आपने दो लाख के ऊपर के कैश का अमाउंट लिया है अमाउंट बोरो भी किया और रीपे भी किया ऐसे केस में सबसे पहले यो एक्सप्लेनेशन पूछेगा ये दो लाख आए

और रिपेड डीम टू बी इनकम अब आप इस प्रोविज़न का एक गलत इस्तेमाल समझेंगे बोरो किया वो भी इनकम मानी जाती है जो रीपे किया वो भी इनकम मानी जाती है मतलब सेव इनकम दो बार एडिशन में आती सर पर ये तो गलत है ना आपने तो बहुत सही किया था समझना आपने तो बहुत ही सही किया था तो ये है सिक्सटी नाइन की सीरीज अब इसमें एक और चीज़ ऐड होती है सिक्सटी एट ऊपर आइए अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट्स अब मैं आपको बताऊँ ये पहले ना ये सारे सेक्शन की सीरीज आपके सेट ऑफ चैप्टर में थी इसको के चैप्टर नंबर वन में डाल दिया ये सिर्फ हेर फेर है पहले भी था आज भी ये समझना अब ये सेक्शन कैश क्रेडिट क्या होता है मान लीजिए आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर में ना एक रैंडम व्यक्ति के नाम पे आपने पांच लाख रुपए ट्रांसफर किए हुए अब ये एंट्री पहले आती कैसे इसको समझो बराबर है मान करके चलिए मान करके चलिए मेरे को कैश चाहिए था मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन लगाया मान के चलो मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन लगाया मैंने बोला हेलो परेश हाँ भाई सुन मैं ना तेरे साले के नाम पे ना एक चार लाख रुपए ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ठीक है मैं एक्सपेंडिचर बुक कर दूंगा तू चार लाख का कैश भिजवा दे और बाकी सब बढ़िया थैंक यू भाई खत्म आप समझिए विजय ने क्या किया विजय अपना एक्सपेंसिस बुक कर दिया भाई विजय ने तो सैलरी दिखाई होगी विजय ने एक्सपेंसेज बुक कर दिया इधर से कैश पलटा लिया और ये एंट्री विजय के बुक्स में दिखनी चालू हो गई अब विजय ये हर साल तो कर नहीं रहा है विजय ने एक हाथ बार कर दिया विजय के बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक किए रैंडम व्यक्ति का नाम आ गया परेश के साले का नाम आ गया वो बोले भैया ये कौन है मैंने बोला सर मैंने इसको पेमेंट किया था आय का पेमेंट किया था तो सैलरी दी है अच्छा बुलाओ उसको बुलाते हाँ भाई बताओ तुमको पेमेंट रिसीव हुआ था अब क्योंकि वो मेरे इन्फ्लुएंस में है हाँ सर पेमेंट रिसीव हुआ था मतलब तुम इनके साथ काम कर रहे थे हाँ सर मैं इनके साथ काम पक्का सर पक्का तो ये तुम्हारी कंपनी ने तुम्हारा टीडीएस क्यों काटा साल भर का तुम्हारे सैलरी स्लिप में अब एक टाइम पे तुम दो जगह तो हो नहीं सकते तो इसको एक्सप्लेन करो कैश क्रेडिट्स आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कई बार ऐसी नहीं कर पाते हैं है? और मिलती है पूछो कैसे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा एओ को कैसे समझ रहा है ये सारी चीजें फाइनल में समझेगा पूरा चैप्टर है चार चैप्टर की सीरीज है असेसमेंट की तब समझता है वो कैसे ढूंढता है ये सारी चीजें वो है ना जब भी असेसमेंट होता है ना चार पाँच साल के असेसमेंट एक साथ ओपन करते हैं और हर साल में एनालाइज करते हैं पी को सामने रख के सैलरी स्टेटमेंट को सामने रख के कि भैया किसका क्या कैसे आया है एंड दैट्स हाउ थिंग्स आर मेड समझ में आ रही बात दैट्स हाउ थिंग्स आर मेड तो ये जो अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट है राइट right? ये जो अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट है ये क्या मानी जाती है बोलो जल्दी से इनकम मानी जाएगी तो वेर एनी सम इज फाउंड इज क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मेटेन अस ऑफर नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स और अगेन द एसप्लेन ऑफर इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री द सम सो क्रेडिटेड वेल बी चार्ज एज इनकम ठीक उसी तरीके से लोन के लिए भी उसी तरीके से शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम के लिए भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में शेयर कैपिटल दिख रहा है आपने एक रैंडम व्यक्ति के नाम पर इशू करे हुए शेयर्स और ये व्यक्ति ही सामने नहीं आ रहा कि यह है कौन अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ जरा समझिए आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा हम स्टॉक मार्केट में करीब ट्वेंटी वन एट हंड्रेड के निफ्टी पे पहुंच गए थे सॉरी ट्वेंटी टू थाउजेंड क्रॉस कर दिया था हमने बराबर सुनो क्या हो रहा है पर अगर आप रिसेंट टाइम्स में देखें ना एक्सेप्ट टूडे मार्केट जुप 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 झुप नीचे आ रहा है क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है इनकम टैक्स के प्रोविजन के कारण हुआ ये है कि अडानी का जो इशू हुआ था अडानी का इशू क्या था कि फॉरेन से पैसा घुमा के लेके आया है तो अब जितने भी एफ आई आई हैं फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन एफ आई आई को एक फरवरी दो हजार चौबीस से पहले मोदी सरकार का अल्टीमेटम है आप एक्सप्लेन करो हु इज द अल्टीमेट बेनिफिशरी ऑफ योर फंड अब एफ आई आई में जो पैसा आया है वो घूम घुमा के आया है इंडिया में ऑपरेट करना है तो मोदी गवर्नमेंट ने बोला अल्टीमेट बेनिफिशरी एक्सप्लेन करो क्योंकि सबको शक क्या था अडानी ग्रुप इज लिंक टू एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने खुद हो के रूल बना दिया गवर्नमेंट ने बोला अच्छा ऐसा दाग लगाया तुमने हम पे ठीक है एक फरवरी दो हजार चौबीस बजट से पहले हर एफ आई आई को या तो इंडिया से निकलने का है या तो इंडिया में रहने का है तो एक्सप्लेन करने का इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी है कौन इसलिए इसलिए एफ आई आई मैक्सिमम अपना पैसा निकाल के बाहर हो रहे ऑब्जेक्टिव क्लियर है ऑब्जेक्टिव क्लियर है जो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि अल्टीमेट ये पैसा जा किसको रहा है वो यहां पर रुकी नहीं पाएंगे वो इस मार्केट में रुकी नहीं पाएंगे अब वो दूसरा रूट देखेंगे वापस से इस मार्केट में एंटर करने का लेकिन इस चक्कर में अल्टीमेटली एक नॉर्मल शेयर होल्डर का लॉस हो रहा है लेकिन हाँ आज लॉस हो रहा है लेकिन इंडिया लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नेंस सेट कर रहा है क्या सेट कर रहा है गवर्नेंस ताकि नॉट जस्ट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट किसी को भी लिंक नहीं किया जा सके अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है ये तो समझ में आए अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है ये तो समझ में आए इसीलिए शेयर कैपिटल या प्रीमियम में भी ऐसा कोई व्यक्ति दिखता है ना कि ये जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा वो भी क्या कर दिया जाता है एड वो भी क्या कर दिया जाता है एड आर यू गेटिंग द पॉइंट यस चलो इज दैट डन अच्छा सर ऐसी इनकम अगर मिल गई मान के चलो ऐसी इनकम अगर मिल गई तो इन पे क्या विशेष टैक्स लगता है यस एक जरा पेज पलटाइए स्पेशल रेट ऑफ टैक्स था वहां जाइए रजिस्टर में हमने लिखा था देखो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स जाओ जाओ जरा स्पेशल रेट ऑफ टैक्स देखो हम लोगों ने लिखा था 115 डबल बी ई दिख रहा है क्या yeah. देखो सिर्फ पूरे चैप्टर में यही एक पार्ट था जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था याद आ रहा है आपको यहां लाके अब मैं आपको खड़ा कर रहा हूं अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट सीरीज अगर ऐसे अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट कैश क्रेडिट मनी या अमाउंट रिपीट बोरोड ऑन हुडी मिल गया सरकार क्या करती है इन पे भी विशेष रेट ऑफ टैक्स लगाती है कितना सेवेंटी एट परसेंट नो 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 सर यू आर मिस्टेक इन सिक्सटी परसेंट माई चाइल्ड सिक्सटी परसेंट इज द टैक्स रेट ये सो नो सर चार्ज एन एच भी आएगा इफेक्टिव टैक्स रेट बनता है सेवेंटी एट परसेंट इफेक्टिव टैक्स रेट कितना बनता है सेवेंटी एट परसेंट कैसे आइए चेक करते हैं नोट्स चेक करो इधर आओ देखो आपके नोट्स में लास्ट सेक्शन दिख रहा है क्या यस इन ऑर्डर टू कंट्रोल द लॉन्ड्रिंग ऑफ अन अकाउंटेड मनी बाय अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जाम लिमिट द अनएक्स द अनएक्सप्ले मनी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कवर्ड अंडर सेक्शन सिक्सटी सिक्सटी नाइन अदर सीरीज

आज छुपा लोगे दिन भर बैठे रहते हो ना सोचते हुए मैं जब बढ़ाऊंगा तो मैं ऐसे टैक्स चोरी करूँगा तुम तो कर लोगे उसके आगे भी सुनो अगर ये मिल गया तुमने सौ छुपाया सौ का अठहत्तर लेके चल जाएंगे वेट अ मोमेंट ये सिर्फ टैक्स है पेनल्टी ये सिर्फ टैक्स है पेनल्टीज इज़ थर्टी परसेंट और सिक्सटी परसेंट तुमने एक्सप्लेन कर दिया तो भी थर्टी परसेंट पेनल्टी लगाएंगे और एक्सप्लेन नहीं किया तो सिक्सटी परसेंट पेनल्टी लगाएंगे स्टॉप ये तो टैक्स था प्लस पेनल्टी थी इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो लगेगा ना क्योंकि इनकम टैक्स सही नहीं भरा होगा एडवांस टैक्स प्रोविजन सही नहीं भरा होगा इंटरेस्ट भी आएगा स्टॉप फीस भी आएगी क्या आएगी फीस सर मतलब जितना लिया उससे ज्यादा देना पड़ेगा हाँ सर नहीं दूंगा तो सेक्शन 158 फिफ्टी एट ए वन डबल ए आपकी प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच कर देंगे है ना? मतलब अगर आप कहाँ हो, उत्तर प्रदेश में हो तो बुलडोजर और इनकम टैक्स में हो समझ में आई बात अब इसी को शॉर्ट में लिखेंगे Section sixty eight Cash Credit Section sixty nine Unexplained Investment Sixty nine A Unexplained Sixty nine B Sixty nine C Sixty nine D अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हंडी अनएक्सप्ले एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट नॉट fully disclosed unexplained money assessee offer no explanation or explanation offered is not satisfactory to ao सेक्शन 115 एंड फिफ्टीन डबल बी ईट द रेट ईओ विल ट्रीट इट एज इनकम एंड टैक्स एट द रेट ऑफ सेवेंटी एट परसेंट अंडर हंड्रेड एंड फिफ्टीन डबल बी ई इतने सारे सेक्शन का स्ट्रेट शॉर्टकट समझ में आया ते सारे सेक्शन का स्ट्रेट शॉर्टकट समझ में आया। सर वॉइस का कुछ तो करो अब मैं क्या करूं वॉइस का वॉइस क्लियर आ रही है ना फिर यार But still, let मी चेक इफ आई कैन डू समथिंग विद द वॉइस अगर सर क्लियर है तो फिर बाकी बच्चे क्यों कह रहे हैं सर बढ़ा दो वॉइस बेटा बढ़ा दिया ना तो तुमको आवाज में चू 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 आना चालू हो जाएगा राधर आप थोड़ा अपने तरफ का कुछ इज दिस डन देखो सर तो दिस वॉज कवर्ड अंडर दिस फ्यू सीरीज एक बार नोट्स पे आइए ऊपर से नीचे तक देखो इज एवरीथिंग कवर्ड टिल दिस पॉइंट ऊपर से नीचे तक देखो जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स थे क्या वो भी पूरे कवर हो गए स्पेशल रेट ऑफ टैक्स थे वो भी पूरे कवर हो एक बार चैप्टर नंबर वन पूरा देखो कोई पॉइंट बाकी तो नहीं है एवरीबडी डन चलो तो यहां हमारा चैप्टर नंबर वन जो है ये क्या होता है बेटा ओवर आपको क्या करना है आपको क्या करना है आज यू हैव टू मेक श्योर कि आपके मेरे क्वेश्चन बैंक के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए मॉड्यूल के आपके पूरे क्वेश्चन क्या हो जाने चाहिए सॉल्व यहां तक के बस आपको करना है कंटेंट अपन ने पूरा कर दिया कंटेंट में मतलब कहीं कोई डाउट ही मत रखना अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बुक्स नहीं आई होगी मैं चैप्टर नंबर टू एग्रीकल्चर का भी पीडीएफ टेलीग्राम पे बस दो मिनट में अपडेट कर रहा हूँ मेरे पास डाउनलोड ही हो रहा है मैं ये भी आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए बराबर है बरे बरे। वैसे अगर आप ध्यान देंगे जब तक के पूरे भारत का बुक्स नहीं जा रहा मैं खुद तब तक के क्या नहीं कर रहा हूं बुक्स को बहुत ज़्यादा रेफर नहीं कर रहा आपको हर चीज़ लिखा के दे रहा हूँ जितनी जरूरत है उतनी राइट तो तुरंत मैं इस वीडियो के साथ ही टेलीग्राम पे एग्रीकल्चर का पीडीएफ अपडेट कर चुका हूँ एंड ले लीजिए सर टेलीग्राम पे मैंने कर दिया अपडेट लो सर आपको मिल जाएगा बिच साथ, साथ में हम लोग इसको यहाँ पे भी लेके आ जाते हैं अब जरा ध्यान से सुनना एक डिफरेंस क्या आया है एग्रीकल्चर इनकम क्वेश्चन क्वेश्चन है भी भेज दो चैप्टर नंबर वन के लेक्चर खत्म होते ही भेज दूंगा देखिए ये आई सी ए आई सी एम ए के अंदर में कवर्ड है उनके पुराने सिलेबस के अंदर में ही सब कुछ कवर्ड था ये इसीलिए सी ए का इंस्टीट्यूट का दिखा रहा हूँ आपको सी एम ए वालों के लिए सब कुछ कवर्ड है ये मैं इंटरमीडिएट पे गया इंटरमीडिएट में टैक्स पे गया टैक्स से मैं चली गई इधर बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे मॉड्यूल में जो नए मॉड्यूल आए हैं आपके मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था एग्रीकल्चर इनकम भी कहाँ कवर कर दिया है इसी बेसिक कॉन्सेप्ट में ही कवर कर दिया है जबकि अगर नवंबर दिसंबर तक के देखा जाए तो वो एक सेपरेट चैप्टर हुआ करता था जो यू नो एग्जाम इनकम के अंदर में कवर हुआ करता था राइट अब वो हटा दिया और आपके इस मॉड्यूल के अंदर में ही आपको क्या कर दिया है एग्रीकल्चर इनकम को कवर करके दे दिया है आर यू गेटिंग द पॉइंट तो हम हमारी बुक में तो इसको सेपरेट चैप्टर बोल करके ही डील कर रहे हैं पर मॉड्यूल के हिसाब से चैप्टर नंबर वन है क्लियर है सर कितने मार्क्स को आ सकता है राइट और उसके पहले स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट डोंट केयर वॉट दे थिंक देखिए ऐसा आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के साथ होगा अभी जिसको एक अटैम्प्ट दो अटैम्प्ट तीन या शायद उससे ज़्यादा भी लगे होंगे एक बात समझ लेना राइट नंबर ऑफ अटैम्प्ट से फर्क पड़ता है क्या पहले ये समझ लो आंसर इज नो क्योंकि जो आपके सामने खड़ा है उसको भी दो लगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पॉइंट नंबर वन बराबर है कि नहीं दूसरा सर आप ये क्यों सोच रहे हो कि तुमको सिर्फ जॉब ही करना है फर्क कब पड़ेगा जब कोई और देखेगा तुमने तुम्हारी प्रैक्टिस चालू कर दी तो किसको फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ता दूसरी बात देखो हर एक जन कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही तुम अगर सबका सुनते बैठोगे ना तो खुद की दुनिया कभी नहीं बना पाओगे मेरे को भी बहुत प्यार से बोला गया था अपनों ने ही बोला था राइट जैसे मैं आपको मेरा ही बहुत बड़ा किस्सा बता देता हूँ तकलीफ अपने ही देते हैं मैं सीए बन गया सीए बनने के बाद मेरे दो भाइयों ने मेरे को बैठाया देखो क्या होता है भाई जब सीरियस होता है ना तो थोड़ा अलग माहौल होता है इस बार भाई का फोन आया शाम में मिलना है बात करनी है अपन बैठ गए अपने दो बड़े भैया के साथ मेरे ही दोनों बड़े भैया जो दोनों बैंक में थे बोले विजय क्या कर रहा है मैं टीचिंग में था तब और बहुत सब्सटैंशियल इनकम नहीं थी तो बोले विजय कितना कमा रहा है भाई को एक्सप्लेनेशन देना जवाब देना ही बहुत बड़ी बात है समझ रहे हो अपन हर बार मस्ती में रहते इस बार भाई सीरियस था बोले कितना कमा रहा है तो मैंने बताया मैं बोला इतना इतना कमा रहा है बोले यार क्या कर रहा है तू पंद्रह बीस हज़ार रुपये कमा रहा है महीने का तो हमारे ऑफिस में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्रेडिट मैनेजर पचास हजार रुपये पर मंथ कमाता है कहाँ ये सब टीचिंग वीचिंग सब में पढ़ा हुआ है मैंने कोई जवाब नहीं दिया और मैंने चुपचाप सुन लिया और बाजू हट गया मैंने बोला ठीक है देखिए जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो ना तो बहुत लोगों की सुनना पड़ता है इंक्लूडिंग कई बार खुद के मन की भी सुनना पड़ता है कि तेरे से नहीं हो पा रहा पर जब आप कोई चीज़ फॉलो करते हो ना हाँ अगर आप है ना सादा एग्जाम देते रहते ना आप बिल्कुल सही थे कोई प्रॉब्लम नहीं आप सादा एग्जाम देते रहते आप बिल्कुल सही थे पर जब आप सादा एग्जाम नहीं दे रहे हो आपको भी पता है इंडिया की वन ऑफ़ द टफेस्ट एग्जाम दे रहे हो अच्छा मेरे को एक बात बताओ जिस टाइम तुम सबने सी ए ज्वाइन किया था तब क्या तुमको ऐसा था क्या कि सी ए में आए तो पास हो ही जाता क्या पहले से पता था कि अटैम्प्ट लग सकते हैं जेन्युइनली बताओ क्या था पता था ना तो आज उसको इतना क्यों कोस रहे हो ठीक है ना जब अपने फाउंडेशन के रिजल्ट को अप्रीशिएट किया था अपने इंटर के रिजल्ट को भी अप्रीशिएट करो कोई बात नहीं तुमको बस ये समझना है कि तुम उनके पैरामीटर तक के सेट नहीं हो पा रहे आप इसे कुछ ऐसे समझ लीजिए कि भैया किसी पर्टिकुलर जगह जाना है जैसे अगर आपको क्लब में जाना है तो कुछ कंडीशन है आपको जूते पहनने होंगे कुछ अच्छा दिखना होगा एटसेट्रा एट्सेट्रा।, एट्सेट्रा ये उनकी भी कंडीशन है बेसिक कंडीशन की भैया तुम्हारे पास इतना स्टैंडर्ड नॉलेज तो होना ही चाहिए तो तुम बड़े लेवल के लिए होंगे इस बात को बस इतना एक्सेप्ट करो ना इसे फेलियर बोल करके एक बहुत बड़ा पहाड़ लेकर के मत एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं हम लोग इसके लिए नहीं बने एक बात याद रखना हम सब एक आम परिवार से आते हैं और ये हमारी ही जिम्मेदारी है हमारे परिवार के स्टेटस को चेंज करने की बस काम खत्म तो ये दिमाग ही नहीं लगाना कि वॉट दे थिंक जिसको जो बोलना है आज बोलने दो आज कोई ये बोल रहा है दिन भर कहाँ जाता है पता नहीं दिन भर घूमती रहती है पता नहीं दिन भर लाइब्रेरी में बैठ के टाइम पास करता है सब सुनने का सब सुनते रहने का सब सुनते रहने का सब सुनते रहने का एक समय आएगा जब तुम्हारा समय बोलेगा तुमने समझ में आ रही क्या बात टाइम आएगा मेरे भाइयों की अगर मैं बात मान लेता वो पचास हजार पर रुक जाता मैंने खुद की सुनी मैंने किसकी सुनी खुद की सुनी वो तो अपन उससे ज्यादा का सैलरी पे कर रहे समझ तो में आ रहा क्या अपन उससे ज्यादा का सैलरी पे कर रहे हैं मतलब आप समझो कि भगवान इतना अच्छा दिन भी दिखा रहा है या बच्चों की इतनी कृपा है कि आज पैसे के बगैर भी काम कर रहे तो उतना ही मजा आ रहा जितना पैसे में आता था, था। और आप सोच के देखो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितने लोगों के पास होगा कि नहीं कमाने का आगे बोल कितने लोग ये दम रख पाएंगे कितनी डिग्री ये दम रख पाएगी कि मेरे को कमाने का ही नहीं आगे बोल तो ये जो चीज है ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और ये तभी आता है जब तुम तुम्हारा पैशन फॉलो कर सको समझ में आ रही बात तो कोई टेंशन ले लेना आगे बढ़ना एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर में सर क्या कोई अमेंडमेंट आया है हाँ है कहा मैं आपको बताता हूं देखो एग्रीकल्चर में कुल मिला काम की चीज क्या है ये तीन सेंसिबली ये तीन चीजें आपके एग्रीकल्चर में काम की चीजें है इसके अलावा कुछ काम की चीज नहीं ये पहले समझ लो समझ तो में आया तो एग्जाम से जो पढ़ना है ये लास्ट की तीन चीजें आपको पढ़नी है ये हो गया पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर टू अब डिफरेंस कहाँ आया है इधर मेथड ऑफ एग्रीगेशन लेते हैं जब हम पहले कुछ याद दिलाते हो और अगर आपको नहीं भी याद आए तो होल्ड कर लेना चैप्टर के समाप्त होते हुए सब याद आएगा याद करो मेथड ऑफ़ एग्रीके एग्रीकल्चर बच्चा पूछ रहा है सर अभी कितना कमाते हो होना बेटा थोड़ना बेटा मेरी इनकम से क्या ही कर लेगा तू अपनी इनकम पे फोकस कर सुन मेथड ऑफ़ एग्रीगेशन लेते वक्त अगर आपको याद हो तो आप लोग क्या करते थे पहले नॉर्मल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम को मिक्स करते थे और टैक्स निकालते थे उन इन इनकम के ऊपर जो टैक्स निकलेगा वो हंड्रेड एंड फिफ्टीन पी के समझ तो में आ रही बात बाकी कहीं कोई चेंज हुआ नहीं चलिए शुरुआत शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं। हैं। चलिए एग्रीकल्चर इनकम क्या एग्रीकल्चर इनकम डिफाइंड है यस, है। कौन सा से सेक्शन में टू वन ए राइट एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन टेन वन बट इनकम टैक्स इनडायरेक्टली टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम एग्रीकल्चरल इनकम, इनकम जनरली एग्जाम के अंदर में पर इनडायरेक्टली उस पर क्या कलेक्ट कर लेता है टैक्स चलिए सोच समझ के बताइए एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाने का पावर union के पास है या स्टेट लिस्ट लेविड एंड कलेक्टेड बाई स्टेट गवर्नमेंट हालांकि ये का किसके पास है सेंटर पर यह राइट स्टेट के पास होना चाहिए फोर्टीन ए कहता है अगर कोई इनकम आपकी एग्जाम

अब एग्रीकल्चर इनकम आई एक तरफ तो एग्रीकल्चर इनकम हमने क्या कर ली एग्जाम लेकिन उससे रिलेटेड खर्चे पी एन एल को डेबिट करके प्रॉफिट तो रिड्यूस कर दिया ना ब्रो बताओ जो इनकम ही एग्जाम है उससे रिलेटेड खर्चे अलाउ होने चाहिए या डिसअलाउ होने चाहिए डिसअलाउ होने चाहिए मेक सेंस क्योंकि एक तरफ तो इनकम आप एग्जाम कर रहे हो दूसरे तरफ आप प्रॉफिट भी क्या कर रहे हो रिड्यूस तब जाके सेक्शन फोर्टीन ए इंट्रोड्यूस किया फोर्टीन ए कहता है अगर सोर्स ऑफ इनकम ही एग्जमट है तो इससे रिलेटेड खर्चे अलाउड नहीं है समझ में आई बात तो सेक्शन फोर्टीन है वेयर एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड इन रिलेशन टू एन एक्समट इनकम द सेम शेल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन इसको स्टार मार्क करके रखो यस नेक्स्ट पॉइंट एग्रीकल्चर इनकम अब ये एग्रीकल्चर इनकम क्या डिफाइंड है देखो डेफिनेशन दी हुई है पर आपको अटेम्प्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है सुनना पढ़ना आगे बढ़ जाना एग्रीकल्चर इनकम में क्या आता है एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं एग्री लैंड अगर फॉरेन में है तो इससे आने वाला

taxable जिसमें एक सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं बताइए एग्रीकल्चरल लैंड को मूवी शूटिंग के लिए यूज किया विल दैट बी टैक्सेबल यस खेतों में आप पिक्चर बनाओ इससे किसी को कोई लेनदेन नहीं है और उसे उसे आने वाला जो इनकम है ये क्या हो जाएगा टैक्सेबल बिकॉज़ दैट लैंड इज नॉट यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर फिर वो खेती के परपस से यूज नहीं हुई है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन क्या बोला बेटा इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से कोई इनकम आ रही होगी तो वो क्या मानी जाएगी एग्रीकल्चरल इनकम अब सवाल उठा व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चरल ऑपरेशन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन देखो नीचे लिखा है द वर्ड एग्रीकल्चरल ऑपरेशन इज नॉट डिफाइंड ये जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन वर्ड है ये इनकम टैक्स में लिखा ही नहीं है तो इस पर एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है राजा बिनोय सहाय राजा

कंपोजिट बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे वापस से इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन को भी एग्रीकल्चर इनकम माना गया है तो हम ढूंढने निकले एग्रीकल्चर ऑपरेशन वर्ड क्या होता है हम क्या करने निकले ढूंढने निकले भाई एग्रीकल्चर ऑपरेशन वर्ड क्या होता है अब एग्रीकल्चर ऑपरेशन वर्ड एक्ट में डिफाइंड नहीं है एक्ट में डिफाइंड नहीं है जब एग्रीकल्चर ऑपरेशन वर्ड एक्ट के अंदर में डिफाइंड नहीं है तो सवाल उठता है कि सर कैसे निकालेंगे राजा बिनोय साहे के केस में उन्होंने तीन तरीके दिए बोले अगर सिर्फ बेसिक ऑपरेशन कर रहा है तो इससे जनरेट होने वाली कोई भी इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी अब सवाल उठता है बेसिक ऑपरेशन मतलब क्या बेसिक ऑपरेशन मींस एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन स्किल एंड लेबर अपॉन लैंड प्रायर टू जर्मिनेशन पेड़ उगने से पहले अगर ह्यूमन एफर्ट्स लगाए गए हैं लैंड पे तो हम कहेंगे कि एसएससी ने बेसिक ऑपरेशंस किए हैं और तब आपकी इनकम को कौन सी इनकम मानी जाएगी एग्रीकल्चरल इनकम छोटा तो सा एग्जाम्पल हमने बीज बोए पेड़ उगा काटा बेचा एग्रीकल्चरल इनकम क्योंकि बेसिक ऑपरेशन किए थे क्या किए थे बेसिक ऑपरेशन अगर किसी ने सिर्फ सबसिक्वेंट ऑपरेशन किया फॉर एग्जांपल किराना दुकान वाला गेहूं खरीदा साफ करा बेच दिया उगाने की मेहनत करी क्या नहीं

मार्केट, yes or no and which are performed after produce sprouts from the land अब तीसरा होता है मान लीजिए हमने दोनों एक्टिविटी की है हमने क्या किया बेटा दोनों एक्टिविटी की है बेसिक भी किया है सब्सिक्वेंटली मतलब हम उगाते भी है प्रोसेस करके हम ही बेचते हैं लेट मी गिव यू एन एग्जांपल लेट मी गिव यू एन एग्जांपल मान के चलिए मान के चलिए हमने ही क्या किया शु, शुगर केन उगाया न से हमने ही क्या किया उससे शुगर जागरी बनाया और बाद में हमने ही बेच दिया मतलब बेसिक ऑपरेशन भी हमने ही किया सब्सिक्वेंट ऑपरेशन भी हमने ही किया ऐसे केस में वो कहते हैं आपकी इनकम कंपोजिट बेसिस पे कैलकुलेट होगी कैसे बेसिस पे कैलकुलेट होगी कंपोजिट अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे थोड़ी सी समझदारी दिखानी चाहिए थी इन्होंने सबसे पहले कंपोजिट एग्रीकल्चर इनकम के लिए एक लिस्ट निकालनी शुरू करी मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ इन्होंने सबसे पहले कंपोजिट इनकम के लिए एक लिस्ट निकालनी शुरू करी इस लिस्ट के तहत उन्होंने तीन प्रोडक्ट निकाले जिसमें सरकार ने खुद होके बताया कितना एग्रीकल्चर माना जाएगा कितना एग्रीकल्चर नहीं माना जाएगा समझ में आ रही बात तो सबसे पहले उन्होंने बताया अगर कोई एस एस ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों में है तो अगर एस सिर्फ ग्रोइंग में होता ली एग्रीकल्चर इनकम अगर ऐसे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में होता प्योरली पीजीबीपी अगर कोई ग्रोइंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग मतलब बेसिक प्लस एक्टिविटी में किसके रबर के रबर को लेथिक्स भी कहा जाता है रबर को क्या कहा जाता है लेथिक्स और भी कई नाम है ये दो याद रखे एक रबर दूसरा लेथिक्स अगर आप ग्रोइंग एंड मैनुफैक्चरिंग दोनों में है इनकम टैक्स कहता है 65 परसेंट एग्रीकल्चर 35 परसेंट नॉन एग्रीकल्चर ये टेबल को याद रखना है ये टेबल को क्या रखना है याद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का ठीक है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का मान लो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफी ग्रोन एंड कर्ड कॉफे अगर कोई कॉफी है ग्रोन है कर्ड है सेवेंटी फाइव परसेंट एग्रीकल्चर मानेंगे ट्वेंटी फाइव परसेंट नॉन एग्रीकल्चर मानेंगे अगर इस कॉफी को आपने रोस्ट भी कर दिया जैसे हम करते हैं कई बार अगर आपने इसे क्या कर दिया रोस्ट भी कर दिया तो 60% परसेंट एग्रीकल्चर 40% परसेंट नॉन एग्रीकल्चर चाय ग्राम 60 एंड 40 परसेंट एग्रीकल्चर 40% परसेंट नॉन एग्रीकल्चर यस ऑनो चलो रबर कॉफी रोस्टेड चाय कॉफी विदाउट रोस्टिंग रबर सिक्सटी फाइव थर्टी फाइव टी टी ओनली ग्रोन हंड्रेड परसेंट एग्रीकल्चर टी ग्रोन इन कोलंबो श्रीलंका हंड्रेड परसेंट टैक्सेबल समझ में आ रहा है क्या राइट कॉफी ग्रोन Curd and roasted. Rubber grown and manufactured. 65, 35. Clear eh? ध्यान से सुनो ये आया कहाँ से पूरा इंटरलिंकिंग वापस लगा रहा हूँ अगले पिछले दस मिनट अगर आपका ध्यान नहीं था तो पूरा इंटरलिंकिंग वापस लगा रहा हूँ सबसे पहले एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाने का पावर देखा हमने फिर हम यहाँ से गए एग्रीकल्चर एंड इनकम के डेफिनेशन देख रहे पहला समझा कोई भी रेंट या रेवेन्यू एग्रीकल्चर लैंड से आया जो सिचुएटेड इन इंडिया उसको तो हम एग्रीकल्चर मानते ही एग्रीकल्चर ऑपरेशन से आने वाली इनकम को भी एग्रीकल्चर मानते हैं हम ढूंढने निकले एग्रीकल्चर ऑपरेशन क्या होता है द वर्ड एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज नॉट डिफाइंड तो राजा बिनोए सहाय के केस में तीन जज तीन गाइडलाइंस प्रोवाइड करी अगर कोई व्यक्ति सिर्फ बेसिक ऑपरेशन करके बेचता था इनकम विल बी एग्रीकल्चर इनकम बेसिक प्लस सब्सिक्वेंट रहेगा तो कंपोजिट तरीके से हम इनकम निकालेंगे अब सरकार ने सबसे पहले तीन प्रोडक्ट के लिए कंपोजिशन खुद होके बता दिया कि भैया रबर के लिए इतना टी के लिए इतना कॉफी के लिए इतना पर जैसे ही ये तीन प्रोडक्ट के लिए लेके आए पूरे भारत में हाहाकार मच गया क्योंकि हर कंपनी का कहना था

तो आप जिनका टी गार्डन ऊपर है उनको आप मेरे से कैसे कंपेयर कर सकते हो और आपने एक स्टैंडर्ड बोल दिया सिक्सटी फोर्टी किस बेसिस पे निकाला बेसिस एक्सप्लेन करो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेसिस एक्सप्लेन नहीं कर पाया और इस पर बहुत ज्यादा इशू क्रिएट हो गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये तीन प्रोडक्ट बोल के रुक गया बोले अब हम नहीं बोलेंगे एक और फॉर्मूला अदर के लिए उन्होंने बोला देखो हमको समझ में आ गया टी कॉफी और रबर के केस में ही राइट ये बहुत लफड़े है अब आप सोच करके देखो ना रबर के फॉर्मेशन कितने हर एक को आप कैसे एक्टिविटी में मान सकते हो एक रबर जो बलून बन रहा है और एक बैट का ग्रिप बन रहा है खेलने वाला बैट उसका ग्रिप बन रहा है <laughs> अरे बैट का ग्रिप भी रबर का रहता है ना ऐसा क्या कर रहे हैं यार ऐसे गंदे लोग है अब आप सोच के देखो वो बोल रहे हैं दोनों में मेहनत अलग अलग है भाई <laughs> तो सच में दोनों में मेहनत अलग अलग है अब कैसे एक जैसे 60 40 कर सकते हो 65 35 कर सकते हो बराबर है कि नहीं अब तुम प्रैक्टिकली समझ रहे हो ना <laughs> दोनों में मेहनत कितनी अलग अलग है अब दोनों की मेहनत अलग है पर परसेंटेज कैसे दोनों के सेम सोचो तो रबर के बॉल

इस तरह से कंपोजिट इनकम निकाली जाएगी तो वो तीन प्रोडक्ट देकर शांत हो गए बोले भाई नहीं बहुत डिस्प्यूट होता हमको पढ़ना ही नहीं है इस लफड़े में लोग आते ये डिस्कशन करते रहते रबर का मैंने ये किया तो क्या रबर का मैंने वो किया तो क्या तो ये डिस्कशन हमको चाहिए ही नहीं तो उन्होंने अदर प्रोडक्ट बोल दिया अब देखो उन्होंने क्राइटेरिया क्या दिया क्राइटेरिया दिया मान लो अगर मैंने प्रोडक्ट उगाया और मैंने डायरेक्टली सेल कर दिया कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी मैंने नहीं की डोंट यू थिंक दिस इज अ प्योरली एग्रीकल्चर इनकम तो थिंग्स आर डायरेक्टली सोल्ड सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन आपकी क्या बनेगी बोलो एग्रीकल्चरल इनकम क्या बनेगी बोलो जल्दी से एग्रीकल्चरल इनकम ठीक है मालिक सेकेंड पॉइंट पे आते हैं इस पे आते हैं सेकेंड पॉइंट पे सोल्ड आफ्टर प्रोसेसिंग मान लो अब मैंने क्या किया प्रोसेस भी, भी किया और इसे सेल भी किया अब यहां पे दोनों तरफ की इनकम बननी चाहिए एग्रीकल्चर भी और नॉन एग्रीकल्चर भी इसमें दो तरफ की इनकम बननी चाहिए एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर अब पॉइंट समझना राइट एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालेंगे लॉ कहता है यही प्रोडक्ट अगर मार्केट में बेचते तो क्या फेयर मार्केट वैल्यू पे बिकता तो फेयर मार्केट वैल्यू आप सेल वैल्यू समझो एक्चुअली सेल कर रहे हो या खुद यूज कर रहे हो खुद यूज कर रहे हो पर फिर भी आप क्या करो अज्यूम करो मार्केट में आप क्या कर रहे हो सेल तो फेयर मार्केट वैल्यू लो इसमें से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन माइनस करो जो इनकम बनेगी कौन सी बनेगी एग्रीकल्चर इनकम बराबर है अज्यूमिंग ये तुम अपने आप को नहीं बेच के मार्केट में बेच रहे हो तो सेल वैल्यू क्या आनी चाहिए थी फेयर मार्केट वैल्यू वो फेयर मार्केट वैल्यू लो द बेस्ट पार्ट इज प्रॉब्लम हमेशा आपको फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ होगा प्रॉब्लम में हमेशा क्या दिया हुआ होगा फेयर मार्केट वैल्यू अब पीजीबीपी कितना निकलेगा आपने सोयाबीन ऑयल निकाला सोयाबीन ऑयल को बेच दिया वॉट इज द सेल वैल्यू माइनस यही प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते तो कॉस्ट फेयर मार्केट वैल्यू पे लेते जो फेयर मार्केट वैल्यू यहां लिए वही फेयर मार्केट वैल्यू कॉस्ट कंसिडर कर लो यही फेयर मार्केट वैल्यू क्या कंसिडर कर लो कॉस्ट माइनस एक्सपेंसेस ऑन सेल्स क्या बन जाएगा बेटा पीजीबीपी समझ में आई बात चलो वापस से समझना जो डायरेक्टली सेल कर दिया सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या माना जाएगा एग्रीकल्चरल इनकम पर अगर आपने प्रोसेस करके बेचा अब एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकलेगा फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पीजीबीपी कैसे निकालेंगे अज्यूम कर लो मार्केट से खरीदते तो फेयर मार्केट वैल्यू पे ही खरीदते तो जितनी वैल्यू एग्रीकल्चर कंसीडर की पीजीबीपी में उतनी वैल्यू क्या कंसीडर कर लेना कॉस्ट और फिर आपके एक्सपेंसेस ऑन सेल्स माइनस करके क्या निकालना बेटा एग्रीकल्चरल इनकम क्लियर है बेटा ये यस yes. चलो यहां पे वापस आओ इक्वेंट समझना एग्रीकल्चर इनकम में वर्ड मिला था एग्रीकल्चर ऑपरेशन एग्रीकल्चर ऑपरेशन वर्ड डिफाइंड नहीं है तो राजा बिनोय ने एक सहाय ने कहा अगर सिर्फ बेसिक ऑपरेशन में हो तो क्या मानेंगे एग्रीकल्चर सिर्फ सब्सिक्वेंट ऑपरेशन में हो तो क्या मानेंगे पी और अगर दोनों में हो तो कैसे निकालेंगे कंपोजिट अब कंपोजिट के लिए तीन प्रोडक्ट के लिए तो सरकार ने क्लियर कट बताया है कितना परसेंटेज होगा तीन प्रोडक्ट के अलावा बाकी कोई भी प्रोडक्ट कहा जाते हैं अदर कंपोजिट में समझ में आया बात क्यों ऐसा हुआ क्योंकि जो पहले तीन निकाले थे उस पर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो गए कि तुमने किस बेसिस पे निकाला पहले बेसिस एक्सप्लेन करो तो इस पर बहुत डिस्प्यूट हो रहा था उनने सीधा सीधा फेयर मार्केट वैल्यू बेसिस ले लिया कैलकुलेशन के लिए समझ में आया हूं? अच्छा सर ये पूछा जाता है क्या सर ये पूछा जाता है क्या यस पूछा जाता है अब आओ वापस से टू एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर इनकम में एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम एन एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज सेकेंड इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन तीसरा इनकम फ्रॉम फार्म हाउस फार्मलैंड फार्म हाउस या फार्मलैंड से कोई इनकम आ रही है तो ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी इनकम फ्रॉम नर्सरी सैम्पलिंग सेडलिंग यहाँ पे बाजू में लिखिए वेदर बेसिक ऑपरेशन डन और नॉट Whether basic operation is done or मीनिंग समझिएगा सर मीनिंग क्या है मीनिंग ये है कि नर्सरी से आने वाला इनकम हमेशा कौन सा इनकम माना जाएगा हमेशा कौन सा इनकम माना जाएगा बोलो जल्दी से एग्रीकल्चरल इनकम माना जाए क्लियर है चाहे आपने उसमें बेसिक ऑपरेशन किए या आपने उसमें बेसिक ऑपरेशन नहीं किए एक प्यारी सी बच्ची ने मेरे को कई सवाल पूछा था कि सर नर्सरी से आने वाला इनकम एग्रीकल्चर कैसे हो सकता है मैंने कहा क्यों क्या तकलीफ है उन्होंने बोला सर बच्चे को एलकेजी यूकेजी पढ़ाना ये कैसे एग्रीकल्चर इनकम है कुछ भी अच्छा एक सवाल बताओ आपको मतलब आप बहुत हंसोगे मेरे को इतने गजब सवाल आते हैं ना मेरे को मजा मतलब मेरे को नहीं आते मेरे पास ये सवाल भेजे जाते हैं अब आपको याद है एच के अंदर में अगर आप टॉप सिटीज के अंदर में हो तो वी टेक फिफ्टी परसेंट कहाँ कहाँ कौन सी चार सिटी थी मुंबई दिल्ली कोलकाता चेन्नई बराबर यार मैं ना कुछ सात आठ घंटे का लेक्चर लेके आया पहले तीन घंटा फाइनल था फिर तीन घंटा इंटर था लेक्चर लेके आया एग्जॉस्ट हो गया एक बच्चे का लंबा चौड़ा मैसेज सर आपने दो दिनों गए रिप्लाई नहीं किए व्हाट इज दिस दिस दुनिया भर का उसने जो डालना था डाल दिया अच्छा एक तो क्या इधर से इधर से, से। जल्दी तो टाइम हो जाएगा तो हो सकता है ना अभी पॉइंट समझो अब उसने मेरे से क्या गजब का सवाल पूछना हो चार सिटी कौन सी थी बेटा मुंबई दिल्ली कोलकाता चेन्नई हर मेजेस्टी का सवाल सर मुंबई की जगह नवी मुंबई रहा तो दिल्ली के जगह न्यू दिल्ली रहा तो मैं समझ नहीं पाया इस सवाल को जरा क्योंकि क्या पुणे में ऐसा न्यू पुणे ओल्ड पुणे कुछ नहीं है ना तो आप बोलोगे पेट एरिया ओल्ड पुणे बाकी सब न्यू पुणे ऐसा कुछ है नहीं ना पुणे में ऐसा कुछ है नहीं तो अपन सवाल से कभी रूबरू नहीं हुए राइट बट मैं बोला क्या ये सच में इतना मैटर है कि नवी मुंबई और मुंबई न्यू दिल्ली और दिल्ली मतलब एग्जामिनर को इतना ही बच गया कि तेरे को फंसाना है तो इसमें फसाएंगा कुछ भी इतने गजब गजब सवाल आते हैं सर मैं आपको बता नहीं सकता इतने गजब गजब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बराबर वर है कितना रुपए था हंड्रेड रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ सब्जेक्ट तू 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 अच्छा एक बार तो मेरे को ये भी आ गया था सर एक्ट में कलकत्ता लिखा है पर अब तो वो कोलकाता हो गया ना मैंने बोतल पकड़ी में फेंक के मारूंगा अच्छा चिल्ड्रन एजुकेशन हंड्रेड रुपीज पर चाइल्ड परमन सब्जेक्ट तू टू टू चाइल्ड और नो? सर बच्चा के पेट में रहा तो मिलता क्या <laughs> कुछ भी ऐसे घटिया सवाल तुम लोग लाते कहां से हो मतलब कोई सेंसिबल सवाल रहे यार मजा आता है इन सवालों के मैं आपको ईमेल दिखाऊंगा सर इतने गजब गजब के ईमेल आते हैं मतलब इस तरह के भी प्यारे लोग होते हैं दिखा तो दिखा तो। नहीं उसमें अभी बहुत कुछ होगा समझ रहे हो क्या मैं आपको बाकायदा फोटो निकाल के दिखाऊंगा इतने गजब सवाल सर इतने गजब सवाल जिसकी हद नहीं मतलब कुछ भी कुछ भी सवाल रखे जाते हैं यस yes, अभी मेरे को एक बात बताओ वो अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज अलाउ कर दिया बरे बरे, if I am not wrong, suppose ऐसा कुछ हुआ और उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया और उस माइनर की इनकम आई तो आपने तो लिखा था पेरेंट जिसकी इनकम ज्यादा हो उसके हाथ में क्लब होगी तो ये किसके हाथ में क्लब करेंगे <laughs> कहा बेटा तुम एडवांस हो गए इनकम टैक्स का बाकी है एडवांस होना क्या बोलोगे यार मतलब कुछ है इसका कुछ सोल्यूशन है आ जाओ तो इनकम फ्रॉम नर्सरी सैंपलिंग सेडलिंग ये कौन सी इनकम बन गई बेटा एग्रीकल्चरल इनकम इज दैट डन यस yes? चलो आते हैं नेक्स्ट के ऊपर मेथड ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन आते बेटा मेथड ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन अब जरा ध्यान से सुनना एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट डायरेक्टली टैक्सेबल बट इनडायरेक्टली टैक्सेबल आखिर हम ये पूरा एग्रीकल्चर का कंसेप्ट पढ़ी क्यों रहे हैं कुछ बातें है एग्रीकल्चर की हम रजिस्टर में लिखा रहे लास्ट डे पे बस उतना पढ़ के जाना बाकी कुछ दुनियादारी मत पढ़ना आ जाओ जल्दी से आओ कुछ चीज़ें लिखा रहा हूँ एग्रीकल्चर की इतना पढ़ के चल जाना बाकी कुछ भी मत पढ़ना एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर इनकम सबसे पहले सेक्शन फोर्टीन है इफ इनकम इज एग्जाम एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू सच इनकम इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन Agree income from foreign is taxable in India. Income from agricultural operation is income from agricultural operation is treated as agricultural income is treated as agricultural income the word agri operation is not defined बट कोर्ट प्रोवाइडेड गाइडलाइन ऑन द सेम इफ असेसी इज एंगेज इन बेसिक ऑपरेशन इसे क्या माना जाएगा एग्री इनकम इफ एस इज एंगेज इन सब्सिक्वेंट ऑपरेशन इसे क्या माना जाएगा नॉन एग्री इनकम इफ असेसी

अधर पोडक्ट इस मेमो अदर प्रोडक्ट अदर प्रोडक्ट के अंदर में डोंट यू थिंक ओ दो तरीके की इनकम निकलती है एग्री और पी एग्री कैसे निकलेगा एयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन. ये बन जाएगा एग्री इनकम जी कैसे निकलेगा सबसे पहले सेल वैल्यू माइनस फेयर मार्केट वैल्यू माइनस एक्सपेंसेस ऑन सेल्स तेरा सर मतलब आप इतना भी करके जाओगे ना मोर देन सफिशेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए पहले तो भी इसकी एक टॉपिक की इज्जत थी सेपरेट टॉपिक बोल तो तो उसी में इंक्लूड कर दिया लिटिल डाउटफुल कितना आएगा इसमें से बराबर। अच्छा अब जरा एक बात को समझ के चलिएगा अगर मेरी इनकम प्योरली एग्रीकल्चर इनकम होती तब तो टैक्स का सवाल ही नहीं उठता बराबर है पर अगर आप देखेंगे इन दोनों सिचुएशन में मेरी इनकम एग्रीकल्चर से भी आ रही है और बिजनेस से भी आ रही है आर यू गेटिंग द पॉइंट तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आता है उस कंसेप्ट को बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ टैक्स थ्रू मेथड ऑफ एग्रीगेशन इसी को एक और नाम से बुलाया जाता है मेथड ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन अब इस पर टैक्स कैसे निकालेंगे टैक्स निकालने का तरीका बदल जाता है क्योंकि प्योर एग्रीकल्चर इनकम नहीं है प्योर बिजनेस इनकम भी नहीं है तो टैक्स निकालने का जो तरीका है ये बदल जाता है और यहाँ हम यूज़ करते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन या मेथड ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन अच्छा जी सर टैक्स कैसे निकालेंगे ये मेथड कब एप्लीकेबल है ये मेथड कब एप्लीकेबल है एस एस सी कौन होना चाहिए एस एस सी शुड बी इंडिविजुअल एच यू एफ ए ओ पी बी ओ आई एजेपी आपकी एग्री इनकम कितने से ऊपर होना चाहिए एनीवन, वन टू डाइव थाउजेंड आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एक्सीड करना चाहिए बेसिक एक्सम्शन लिमिट ओल्ड स्कीम अगर होती तो टू पॉइंट फाइव लैख थ्री लैख और फाइव लैख न्यू स्कीम के तहत थ्री लाख चेक करो समझ में आया है क्या एग्रीकल्चर इनकम पाँच हज़ार से ऊपर होना चाहिए नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जाम्शन लिमिट से ऊपर होना चाहिए तो ये एप्लीकेबल है ज अ डन चेक अब जो टैक्स है वो कैसे निकलेगा एनी वन स्टेप्स तो याद होंगे स्टेप नंबर वन एग्री प्लस नॉन एग्रीकल्चरल इनकम याद आ रहा है क्या स्टेप टू इस पे क्या निकालेंगे आप टैक्स ऑन स्टेप वन स्टेप थ्री एग्री इनकम प्लस बेसिक एग्जामिशन लिमिट स्टेप फोर टैक्स ऑन स्टेप नंबर थ्री स्टेप फाइव डिफरेंस ऑफ टैक्स टू माइनस फोर टेप सिक्स एच ई सी एटसेट्रा टेप सेवेन फाइनल टैक्स इज़ ए डन चलो जी मैं कई लोगों को देख रहा हूं मतलब वो जो डी का लेक्चर देख रहे हैं वो शायद रात में देख रहे हैं मैं कल यूट्यूब थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहा था तब मेरे को पता चला मेरे लेक्चर का मैक्सिमम व्यू टाइम रात दस बजे का है मैक्सिमम मतलब उस टाइम पे बच्चे एक्टिवेट होते हैं इस लेक्चर को देखने के लिए बढ़िया तो मैं आपको एक बात बताऊं ये इफेक्टिवनेस आप अपनी खत्म कर रहे हो दोपहर में सो करके या दोपहर में टाइम वेस्ट करके देखो एक चीज़ है इस लेक्चर को मैं वैसे भी ओपन तो रख ही रहा हूँ ऑप्शन होता देखो आज ऑप्शन है इसलिए तुम इसको यूज कर रहे हैं। नहीं तो क्या होता ढक मार के आते कि नहीं आते बराबर बैठते कि नहीं अगर हो जाएगा ना साथ में तो हो जाएगा और मैं ईमानदारी से तुमने इसके पहले एक्सपीरियंस किया है एक बार बैकलॉग लगना चालू हुआ तो क्या होता एटलीस्ट वो हरकतें मत करना बराबर है कि नहीं या तो शुरुआत से आना है नहीं या तो आए तो उसको ऐसा ईमानदारी से देखो और दो से चार ये ऐसा टाइम है ना तुम मेरे अलावा कोई भी सब्जेक्ट उठा लो तुम्हारा कोई इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं हो सकता और एक बार ट्राई करो कॉस्टिंग ऑडिट उठाओ तुमको समझ में आ जाता बराबर है किसी को अगर बहुत ही मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो लॉबी उठा लेने का तो तुमको बराबर समझ में आ जाता क्या है क्या नहीं है चलो मैं क्या बोलता हूँ एक प्रॉब्लम लेते जिसमें अब तक का जितना पढ़ा सब कुछ कवर कर लेते अग्री हो ठीक है चलो एक प्रॉब्लम लेते हैं एक एग्जाम्पल मैं फ्रेम कर रहा हूँ एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फ्रेम कर रहा हूँ चेक करिएगा मिस्टर विजय वॉज एंगेज इन ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग

Of such produce is twelve lakh. The balance sixty percent was processed to make flavoured tea. Fair market value of which is thirty lakh and it is sold for rupees forty two lakh after an expenses of rupees one lakh towards sales. Compute agriculture income, EGBP, and tax liability, assuming he opt for 115 BAC. मेरी हैंडराइटिंग को थोड़ा एडजस्ट करके लाइफ में करूँ क्या हो गया टेल मी सबसे पहले जो डायरेक्टली सेल किया डायरेक्टली सेल किया व्हाट इज द सेल वैल्यू 18 लाख व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 6 लाख रुपीज बीइंग एग्रीकल्चरल इनकम यस देन सोल्ड आफ्टर प्रोसेसिंग वट इज द फेयर मार्केट वैल्यू अच्छा कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन नहीं दिया ना अपन ने नहीं 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 वो तो उसका है एक मिनट रुको कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ बैलेंस सिक्सटी परसेंट इज नाइनटीन लैख बोलो वॉट इज फेयर मार्केट वैल्यू थर्टी लैख माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन नाइनटीन लैख वॉट इज एग्रीकल्चर इनकम इज इट इलेवन लैख देर कम्स पी जी बी पी वॉट इज सेल वैल्यू फोर्टी टू लैख वॉट इज फेयर मार्केट वैल्यू थर्टी लैख वॉट इज एक्सपेंसिज ऑन सेल्स इज इट इलेवन लैख क्या मैं ऐसा कह सकता हूं पी जी बी पी इज इलेवन लैख एग्रीकल्चर इनकम इज सेवेंटीन लैख डू यू अग्री अब इसका क्या निकालना पड़ेगा टैक्स

टैक्स ऑन स्टेप वन चलो निकालो इज इट फाइव लैख फोर्टी थाउजेंड मैंने कैसे निकाला पता है आपको मैंने स्ट्रेट पंद्रह लाख तक डेढ़ लाख तक टैक्स आएगा शॉर्टकट पंद्रह लाख तक डेढ़ लाख ही आएगा चेक कर लो कैसे पहले पंद्रह हजार फिर तीस हजार फिर पैंतालीस हजार फिर साठ हजार डेढ़ लाख यानी पंद्रह लाख तक का टैक्स का शॉर्टकट क्या है एक लाख पचास हजार बराबर है बचे हुए पे तीस परसेंट मारा अच्छा अब एक मिनट सुनिए ना आपने यही कैलकुलेट किया होगा बराबर है गलत किया टी ये मेथड ही नहीं थी वहां पे। क्या क्या क्या, क्या हुआ बेटा ये फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट क्या हो लग गया एक अटेम्प्ट एग्रीकल्चर टॉपिक बहुत इजी है बहुत लाइटली पढ़ रहे थे तुम तुमने क्वेश्चन पढ़ा क्या क्वेश्चन क्या था इधर तुमने ये कैसे लगाया सर मतलब मतलब हमारी हाँ सर मतलब हमारी हाँ अच्छा मैं सॉल्व कर रहा हूँ सॉल्व कर रहा हूं मैं बोला एक तो बोले एक तो बोले सबके सब सबके सब बिल्कुल आउट गचाँ बेटे। कचअपेटे समझ रहे हो बुलाती है मगर पर तुम तो चले गए करना क्या इसका कॉल कैसे करना है आप में से एक भी जन, आई डोंट नो यूट्यूब पे किसी ने किया होगा तो एक भी जन ये नहीं देख रहा हाँ बराबर कहाँ से लगा रहा ये के दिया है बाबू तो अदर कंपोजिट कैसे लगा रहा सिक्सटी फोर्टी लगना चाहिए था अदर कंपोजिट लगा कैसे रहा है इज्जत नहीं बाबा माजा लग्न करा समझ में आया क्या मस्त अभी है ना ये जीतता भी लिखा ना तुमने तो मैं रुक रहा हूँ रुक रहा हूँ रुक रहा हूँ पूछ रहा हूँ रुक रहा हूँ पूछ रहा हूँ रुक रहा हूँ बोला सारा किसी को समझ में नहीं आ रहा गजा अच्छा। मैं बोला अब मेरे को शोर हो गया कि ये लोग ना हो गया तो मस्त ऐसा है ना इसको ऐसा कट करने का और लिखने का मैं पागल हूँ उसकी शादी हो जाएगी मुझे उसके बच्चे मामा बुआ बुलाएंगे मुझे कुछ तो लाइफ में करना पड़ेगा मैं फिर एक बार ये देखना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ इंस्टीट्यूट कहे मुझे बर्बाद करो एफ सी एल उवा बराबर है ना अरे रितिजती भी सही नहीं है अरे जबरदस्त शानदार तरीके से पढ़ा है किधर आके तुम लोगों ने किया एक आज का होमवर्क ढूंढ के लाओ सॉल्व कैसे करना है मैं नहीं बता रहा पूरा दिमाग लगाना अपना पॉसिबल है पॉसिबल है पर अभी मैं शोर नहीं बोलता तुमको सबको समझ में आया क्या गलतियां की है तुमने बाजू में सब लिख देने का बरे बरे। चलो आज के लिए रुकूंगा यहीं। अपनी पूरी हिम्मत से इसको सॉल्व करके आना सुनो कल हमारा एग्रीकल्चर भी खत्म हो जाएगा या ना। हमारा एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली कल हम लोग चालू करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ठीक है मैं तो सोचा था हेड करते थे चलो ठीक है रेसड कर देंगे एक दो दिन में वो भी खत्म हो जाएगा डन बाय बोलो बच्चो यस yes. चलो जी बहुत बढ़िया सी यू बाय बाय टेक केयर